बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात आती है कि बेसिक स्कूल में छात्राओं से बनवाई जा रही रोटियां, वीडियो वायरल होने के बाद प्रधानाध्यापक निलंबित, प्रधानाध्यापक लगे ये आरोप, तो क्या आरोप लगाए गए वो भी देखेंगे। साथ ही उसको आपकी तस्वीर भी वीडियो के दौरान जो दिखाई गई है वो भी दिखाएंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो छात्राएं हैं विद्यालय की वो रोटियां बना रही हैं, जबकि काम रसोइयों का है, बच्चे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये तस्वीर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर हालांकि बच्चों के चेहरों को ब्लर कर दिया गया है, जैसे ये चेहरे देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये बच्चियों ने अपने चेहरों को छिपा लिया है। और यहाँ पर एक रसोइया बैठी हुई है, महिला रसोइया, तो ये खाना बनवाया जा रहा है। तो यूपी के ये बलिया का मैटर है, बलिया का मामला है। एक सरकारी विद्यालय में रोटी बनाते हुए छात्राओं का वीडियो वायरल होने से प्रधानाध्यापक पर गाज गिरी है। गुरुवार को बीएसए शिव नारायण सिंह ने प्रधानाध्यापक जयराम प्रसाद को निलंबित कर दिया है। बीएसए ने यह कार्रवाई जांच अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी नगरा की रिपोर्ट के आधार पर की है। अब यहाँ पर मामला जो है वो जिले के सियर विकास खंड के शमसुद्दीनपुर गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय का मामला है। छात्राओं से रोटियां बनवाने का वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में विद्यालय में करीब 4 छात्राओं से रोटियां बनवाई जा रही थी। रोटी बनाने वाली छात्राएं स्कूली ड्रेस में हैं, तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि बच्चे विद्यालय के ही ड्रेस में हैं, तो विद्यालय के ही बच्चे ये रोटियाँ बना रहे थे। तो ये था मैटर। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। तो शिक्षा मित्रों, अनिदेशकों और रसोइयों को अक्टूबर से बड़ी धनराशि का भुगतान कराने की तैयारी है। तो कितना बढ़ाया गया है, हालांकि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो शिक्षा मित्र हैं उनको 1,000 रुपये और रसोइये और जो अनुदेशक हैं उनको 500 रुपये की धनराशि को बढ़ाया गया है। तो यहाँ भी वही इन्फॉर्मेशन है, वही न्यूज है। तो कितने संतुष्ट होंगे इससे शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइये, ये तो उन्हीं की जवानी से आप अपने विद्यालय में पता कर सकते हैं, आप अपने आसपास जो भी है वहाँ से भी जानकारी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट खबर है। 16 सितंबर से खुल सकते हैं आंगनवाड़ी केंद्र, क्योंकि 15 अभी जो शासन आदेश आया हुआ था उसमें 15 सितंबर तक के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया था। तो अब जो प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में इन्हें संचालित किया जाएगा, 16 सितंबर तक खुलने की ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों का संचालन शुरू होने के बाद अब आंगनवाड़ी केंद्र भी 16 सितंबर से खुल सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 सितंबर से आंगनवाड़ी केंद्रों का प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालन की तैयारी कर रखी है। तो ये देखने वाली बात है कि अपने यहाँ यानी कि उत्तर प्रदेश में 2017 के दूसरे सप्ताह से करीब 1.89 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन बंद कर दिया गया था। कोरोना की पहली लहर के दौरान ही उसी दौरान नई शिक्षा नीति 2020 भी जारी की गई थी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, एक और न्यूज लेते हैं। गंभीर आरोप, बेसिक शिक्षा परिषद के पूर्व सचिव जो संजय जी हैं उनके खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू हो गई है। तो शासन के निर्देश पर सतर्कता अधिष्ठान यानी कि विजिलेंस टीम, पूर्व निदेशक साक्षरता वैकल्पिक शिक्षा उर्दू एवं प्राची भाषाएं संजय सिन्हा के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले की खुली जाँच शुरू हुई है। और गोपनीय जाँच में साक्ष्य जुटाने के बाद विजिलेंस ने शासन को अपनी रिपोर्ट भेजकर खुली जांच की सिफारिश की थी। तो अब इनकी खुली जांच की जाएगी, तो देखना होगा कि क्या तथ्य निकल के आते हैं समय के अकॉर्डिंग। और इसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव रहे, इस पद पर तैनात रहे संजय सिन्हा पर नियमों को दरकिनार कर शिक्षकों के तबादले और मृतक आश्रित भर्ती में अनियमितता के आरोप गंभीर आरोप लगे थे। इस मामले में विभागीय जांच के बाद उन्हें मार्च माह में निलंबित कर दिया गया था। करीब 5 माह बाद वह बहाल हुए थे और 31 अगस्त को निदेशक साक्षरता के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। चलते नेक्स्ट खबर है। अब तक की प्राप्त सूचना के आधार पर गणेश चतुर्थी जो कि आज है यानी कि 10 सितंबर को है, उसके उपलक्ष्य में किन जिलों में प्रसिद्ध विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। तो यहाँ पर अभी तक जो आदेश की बात करें तो सिर्फ संभल जिला का आदेश प्राप्त हुआ है, जहाँ पर गणेश चतुर्थी की छुट्टी कर दी गई है, यानी कि 10 सितंबर को अवकाश रहेगा आगे, और इसके अलावा कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आगे देखें, 31 दिसंबर तक भर सकेंगे आयकर रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न अभी 30 सितंबर तक लास्ट डेट थी, लेकिन उसमें वेबसाइट एकदम क्लियर ना होने के कारण उसमें जो अनियमितता चल रही है उसके कारण इसकी डेट को
बढ़ा दिया गया है और 31 दिसंबर लास्ट डेट कर दिया गया है। तो आप आसानी से इस समय रहते कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे पहले 31 जुलाई थी, उसके बाद 30 सितंबर की गई। और आम तौर पर जुलाई में रिटर्न या अगस्त तक 100% हो जाते हैं, लेकिन कोरोना काल के कारण, ऑफिस ना चलने के कारण, के फॉर्म 16 वगैरह लेट हुए, तो इस कारण से लगातार बढ़ाई जा रही है। और अभी भी वेबसाइट पर कुछ समस्याएं चल रही हैं, जिस कारण से इस बार भी इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। आप देखते हैं, एक और न्यूज़ है, बिरसदी शिक्षकों का प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू होगा। श्रावस्ती उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर 10 सितंबर 2021 को पुरानी पेंशन बहाली और कैशलेस चिकित्सा सुविधा समेत 21 सूत्री मांगों को लेकर बिरसदी शिक्षकों के देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन्स जो भी थी हमने आपको दे बताई।